आप जियो के क्यों नहीं जियो में, ऐसे क्यों सोच रहे हैं? ऐसे नहीं सोचो, ऐसा मत सोचो। हाय जय माता दी, मैं निशा लांबा और अभी हमारे पास आए हैं हेयर्स। ये हेयर्स रूलर हेयर्स होते हैं जिनके अंदर की पोरोसिटी ख़त्म हो जाती है, मॉइस्चर लेवल कम खत्म हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। कई बार आपके इंटरनल भी बालों में पोरोसिटी लेवल हाई हो जाता है, इस वजह से वो भी आपस में वो सारे जकड़ जाते हैं, मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, आता उसकी वजह से भी जकड़ जाते हैं। कई और भी रीज़न होते हैं, साइंटिफिकली प्रॉपर एक रीज़न नहीं है। ऐसे हेयर्स में आर पार हाथ जाने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, आर पार हाथ नहीं जाता है, बिल्कुल बालों में पोरोसिटी लेवल हाई है, सारा फंसा हुआ बाल है। आपको देख रहे होंगे यहाँ पे पास में भी, यहाँ पे भी बिल्कुल ही माइल्यूट सा अंदर जा रहा है। सो अभी हम इनका करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट। एंड ऐसे केसेस को बनने में महीनों लगते हैं अगर आपको स्टार्टिंग हो गई है वुलन हेयर्स की। कई कई केसेस में ऐसा होता है कि रातों रात में सारा बन जाता है, पर कई केसेस में ऐसा लगता है कि आप लापरवाही या लेजी या फिर आपने उसका केयर नहीं किया, थोड़ा सा बना थोड़ा बना थोड़ा बना थोड़ा बना तो वो स्टार्ट हो गया। अगर रातों रात बनता तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट अगर आपके केसेस में थोड़े 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 करके टैकनल्स हो जाते हैं तो आप उसको इंस्टेंट जाके ट्रीट करवाओ। आप उसको इग्नोर ना करो, डोंट गेट केयरलेस। सो इट्स सीरियसली हैमर योर हेयर, बहुत ज़्यादा हैमर देता है, कि फंगस की तरह होता है आपके बालों में और जाके स्प्रेड हो जाता है, फिर आपका बाल कहीं का नहीं रहता। तो नाउ वी आर गोइंग फॉर अ ट्रीटमेंट। कब से हुआ ये प्रॉब्लम आपको? है गुड़िया, दो मंथ से। कैसे, क्यों, मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम आया? मैंने पार्टी में गई थी। हाँ, मैं पार्टी में गई थी। हाँ, मेहंदी लगाया आपने? ऐसे क्यों सोच रहे हैं आप जो भी क्यों नहीं होगे? ऐसे क्यों सोच रहे हैं? ऐसे नहीं सोचो, ऐसा मत सोचो, ठीक है? नहीं, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये क्लाइंट का पूरा बाल सॉल्व हो गया, ये फाइनल रिजल्ट है क्लाइंट के बालों में और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो करते हुए। सुबह हमने 12 बजे शुरू किया था, शाम के 6 बज गया। सो थैंक्स टू माई टीम एंड क्लाइंट ऑल्सो कि किसने इतना पेशेंस रखा। सो सबसे इम्पोर्टेंट, क्लाइंट ने पेशेंस रखा। सो ये रिजल्ट है आप लोगों के सामने। देन वी गिव हर हेयर कट, जो डेड हो गए थे बाल उसमें हमने हेयर कट किया और एक लुक चेंज की है। ये मैं बात बोलना चाहूँगी, अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दुनिया का तो कितना भी ध्यान रख लो, उनको वो भी कम पड़ेगा। तो पहले अपना ध्यान रखना ज़रूरी है, अपने बारे में सोचना ज़रूरी है, क्योंकि आपके अपने आप हो और कोई नहीं है, है ना? सो किस किस को ये प्रॉब्लम होती है, किस किस को ये प्रॉब्लम का रीज़न पता है, या किस किस को ये प्रॉब्लम सफ़र होती है और किस किस को मेरी बात समझ में आई, कमेंट करके बताना। मैं दिल्ली से हूँ, आप लोग कहाँ से हो ये भी कमेंट करके बता दें। जय माता दी।